दोस्तों, बेस्ट सेंटेड एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको भारत की औषधियों से परिचित करा रहे हैं। ये दुर्लभ औषधियाँ आयुर्वेद का आधार हैं तथा इनका परीक्षण किसी वन्य प्राणी पर नहीं किया गया है, अपितु हमारी पीढ़ियाँ इनका प्रयोग करती रही हैं। हमारा आज का वन्य औषधि है रेगिनी। इसे कटैया, डेविल्स एप्पल या एप्पल ऑफ सोडोम कहा जाता है। इसका बोटेनिकल नाम सोलेनम लिनियसनम है। सामान्य स्थिति में यह 40 से 150 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है। यह साउथ अफ्रीका की मूल प्रजाति है जो जहरीली होती है तथा इसमें ग्लूको एल्केलॉयड तथा सेपेनिसाइड्स होता है। यह बहुचर्चित वन्य औषधि प्राचीन काल से भारतीय लोगों के सामाजिक, धार्मिक तथा आयुर्वेदिक जीवन में शामिल रहा है। भैया दूज तथा गोवर्धन पूजा में हम सबों ने इसके प्रयोग को अवश्य देखा है। इस दिन महिलाएं इसे अपने जीव से लगाती हैं। यह पौधा एक गुमनाम सहयोगी की तरह धार्मिक परंपरा में चुपचाप हमारे जीवन का सदियों से हिस्सा बना रहा है। यह चर्चा में तब आया जब सोलबेक फार्मास्यूटिकल्स ने इससे कैरेमसिन विकसित करने का प्रयास किया। कैरेमसिन एल्केलॉयड सोलामर्जिन तथा सोलासोनिन का मिश्रण है। यह कैंसर की एक दवा है। बाद में यह ड्रग अनुपरीक्षण में असफल रही। साउथ अफ्रीका में इसका प्रयोग प्राचीन काल से दांत दर्द, त्वचा रोग तथा ठंड में होता रहा है। डेविल्स एप्पल लोशन तथा पॉइजन एक प्लांट क्रीम काफ़ी लोकप्रिय है जो पके फल को जैतून के तेल में मिलाकर बनाया जाता है। स्किन कैंसर के एनिमल ट्रायल में इसे काफ़ी प्रभावी पाया गया है। एक कंपनी वेन्युएटा इन दिनों क्यूराडर्म BEC5 के नाम से एक दवा बेच रही है जो स्किन कैंसर में काफ़ी प्रभावी मानी जाती है, लेकिन यह क्लिनिकली अप्रूव्ड नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।